Friends and students, today I am here to discuss with you the topic whole numbers. This whole number topic is in the 6th standard and it is very important because after getting understanding of this number or this topic, you will understand many topics which you are going to get in 7th standard and 8th standard. So please be careful, be attentive here and listen carefully. ये जो होल नंबर का टॉपिक है, इसको जानने से पहले हमें कुछ नंबर्स के बारे में जानना होगा. और ये होल नंबर के टॉपिक से पहले, जैसे कि आपको इंटीजर का एक टॉपिक है, मैं सबसे पहले आपको इंटीजर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा. इंटीजर, इंटीजर्स, आप जैसे कि आपने नंबर लाइन यूज किया होगा, ठीक है, नंबर लाइन पे आप कुछ नंबर्स इस तरह से लिखते हैं. अब यही नंबर जब हम बिना लाइन के यूज करें तो कैसे लिखे जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड लेफ्ट साइड -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. लेफ्ट साइड ऑल, लेफ्ट साइड ऑफ जीरो इज ऑल आर ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड राइट साइड ऑफ जीरो आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स. फ्रॉम 1 to right साइड ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. ओके, एंड दीज नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स ऑल्सो. ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स. एंड फ्रॉम 0 to right साइड ऑल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स. फ्रॉम -1 to left साइड ऑल नंबर्स आर कॉल्ड negative integers, negative integers. Now you can see here the whole number. Whole numbers do not belong to negative numbers. They all are positive and they start from zero. Now whole numbers are 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Now you can differentiate natural number and whole number by just seeing it. How natural number starts from 1 and whole number starts from 0. अब natural number में सारे whole number मौजूद हैं या फिर होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर मौजूद हैं? अगर देखा जाए तो होल नंबर जैसे कि यहां से स्टार्ट होता है और आगे के सारे नंबर, और नेचुरल नंबर यहां से, तो मींस इनमें से छोटा कौन हुआ? नेचुरल नंबर. इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर पाए जाते हैं. अगर मैं ये कहूं कि क्या होल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर में मिलते हैं, अगर मैं सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में डालना चाहूं तो उसका जीरो बाहर रह जाएगा. ठीक है, तो सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर में नहीं मिलते, बट सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में पाए जाते हैं. इसके बाद अब हम आते हैं ये होल नंबर्स पर. प्रॉपर्टीज ऑन होल नंबर्स. अब हम जितनी भी प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो सब किस पे वर्क करेंगे? अब हम आगे जितनी भी प्रॉपर्टीज बताने वाले हैं वो सब वर्क करेगी होल नंबर्स पर. हम अपने माइंड में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स को ही रखेंगे. नेगेटिव का कोई नंबर नहीं ध्यान रखेंगे, कोई डेसिमल के नंबर की बात नहीं करेंगे, कोई फ्रैक्शन के नंबर की बात नहीं करेंगे. फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन मींस जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे 2/3, 7/8, 9/2, ये सारे फ्रैक्शन है. 2/3,
फाइव बाई नाइन, ये सारे इस तरह के किसी भी नंबर के बारे में हम बात नहीं करेंगे, किसी भी डेसिमल वाले के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ जीरो से लेकर आगे तक के सारे नंबर की बात करेंगे। तो हमारे पास जो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी जो है होल नंबर्स पर जो अप्लाई करेंगी, या होल नंबर्स किस किस प्रॉपर्टी में किस किस तरह से वर्क करेगा। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको एक बार मैं बता दूं, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सारी प्रॉपर्टी सिर्फ होल नंबर पर अप्लाई होती है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, या सिर्फ होल नंबर्स के लिए ही होती है ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। हम इन प्रॉपर्टीज को अलग अलग नंबर सिस्टम में वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चेक करने की कोशिश करते हैं। आज अभी तो हम होल नंबर पे इसको देखेंगे कि उसका वर्क कैसे होगा। इन्हें आगे जाके आप सेवंथ स्टैंडर्ड में पूरे इंटीजर्स पर इन प्रॉपर्टीज को देखोगे। तो इसलिए प्लीज बेसिक थिंग जो है वो माइंड में जरूर रख लेना जो मैं पहले बताने वाला हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताती है या क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि आप किसी भी ग्रुप की बात करो, जैसे मैंने एक ग्रुप लिया होल नंबर्स, या फिर आप नेचुरल नंबर्स की बात करो, कोई भी जिस भी ग्रुप की आप बात कर रहे हो, जब उस पर आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यूज करते हो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है आपके प्लस माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। जब इन चार ऑपरेशंस को आप, इन चारों एल्जेब्रिक ऑपरेशंस को जब आप यूज करते हो कहीं पर, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जब आप बात कर रहे हो, तो जब भी आप अगर होल नंबर्स पर इन्हें यूज कर रहे हो तो क्लोजर प्रॉपर्टी तभी एप्लीकेबल मानी जाती है जब आप होल नंबर्स पर ही ये अपने एल्जेब्रिक ऑपरेशंस को यूज करो और आंसर भी होल नंबर्स में ही आए। क्लोजर प्रॉपर्टी यही कह रही है कि आपने होल नंबर पर को प्लस किया किसी होल नंबर से तो आंसर होल नंबर में आना चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा, चलो पहले इसके लिए आपको एग्जांपल देते हैं, कोई भी होल नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमने 10 ले लिया, दूसरा 15 ले लिया, प्लस होकर कितना आएगा? 25। ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है। जब इन दोनों का हमने प्लस कर दिया तो क्या आया? 25, वो भी एक होल नंबर में से ही, ठीक है। सेकेंड, ये आपका हो गया एडिशन के लिए। देन यू कैन से क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन एडिशन। एडिशन में होल नंबर पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। नंबर टू, बी पार्ट, होल नंबर माइनस होल नंबर, होल नंबर आना चाहिए, ठीक है, क्या ऐसा है? एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इन्हीं में ले लेते हैं। जैसे कि हमने 15 लिया, माइनस 10, 5 आ गया। 15 एक होल नंबर है, गुड। 10 एक होल नंबर है, ये भी ठीक है। एंड देन 5 भी एक होल नंबर है, यानी होल नंबर पर होल नंबर का जब सब्ट्रैक्शन हुआ होल नंबर आया। क्या ये सभी नंबर्स पे अप्लाई कर सकेगा? आगे अगर हम छोटा नंबर डाल दें, बाई चांस 10 आगे कर देते, 15 पीछे कर देते, तो हमारा आंसर -5 आ जाता। अब क्या हुआ? ये होल नंबर था 10, बिल्कुल। 15 भी एक होल नंबर है, जैसे कि हम यहां 15 बोल रहे थे, यहां पे भी। क्या ये जो आंसर आया -5 वो क्या होल नंबर है? देखिए, मैंने आपको होल नंबर बोले, सारे पॉजिटिव होते हैं, ये तो नेगेटिव में से नंबर आ गया। सो जब हर जगह वो अप्लाई नहीं हो सकता तो फिर हम क्या कह देते हैं कि होल नंबर माइनस होल नंबर एप्लीकेबल नहीं। यहां तो खैर आ गया था बट यहां नहीं हुआ ना, तो हम लिख सकते हैं नॉट सब्ट्रैक्शन में, पहले हम सब्ट्रैक्शन लिखिए क्योंकि सब्ट्रैक्शन का है, यहां लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। और एडिशन में क्या हुआ था? एप्लीकेबल, कि ये अप्लाई होगा। एडिशन में अप्लाई हो रही है क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। देन थर्ड वन, सी पार्ट, इसे हटा देते हैं। सी इज कि होल
नंबर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर आना चाहिए होल नंबर। अभी हम अब तक हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में ही चल रहे हैं, ठीक है। तो उसका सी पार्ट अभी हमने लिया मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन देखते कोई भी इन्हीं से इन्हीं को ले लीजिए। 10 मल्टीप्लाई 15 आंसर आए 150। यस, अब ये इस पर कोई भी होल नंबर आप लेंगे इधर पॉजिटिव नंबर ही आएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव ही आएगा। मींस हर बार होल नंबर को अगर होल नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन किया मल्टीप्लाई किया तो वो होल नंबर में ही आएगा। सो यहां पर भी क्या है एप्लीकेबल। ओके, डी डिवीजन, होल नंबर डिवाइड बाय होल नंबर मस्ट बी इन होल नंबर इफ यू वांट टू अप्लाई क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो तो। अब 18 डिवाइड बाय 6, यस 3, 18 एक होल नंबर है, 6 एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, बट अगर इसको इंटरचेंज कर दिया जाए तो अगर इसे इंटरचेंज किया तो कितना आएगा देखिए, एटीन थ्री जा सॉरी देन सिक्स अगेन 0.33 इस तरह से जाएगा। तो ये किसमें करूं किसमें आंसर आया, आपका आंसर आया डेसिमल में, और मैंने कहा था कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, उसी को हम होल नंबर में लेंगे अगर वो सारा पॉजिटिव है तो, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन्हीं में से। तो ये नहीं आया, मींस डिवीजन में अगर हम देखें या जो हमने अब तक देखा उसमें क्या देखा कि नॉट एप्लीकेबल। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि होल नंबर के साथ को होल नंबर से डिवाइड करने पर हर बार होल नंबर आएगा कोई जरूरी नहीं है, वो डेसिमल में आ सकता है। अगर आप डेसिमल में लेते तो इसको आप फ्रैक्शन में भी कर सकते थे, जैसे 6 डिवाइड बाय 18 आप इसको 1/3 करते तो आंसर फ्रैक्शन में आ जाता, ठीक है, फ्रैक्शन में हो सकता है डेसिमल में बट होल में नहीं आया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है सेकेंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, सबसे पहले एडिशन के अंदर, इसमें भी चारों में हम इसको देखेंगे कि चारों में अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई नंबर कोई दो नंबर अगर प्लस हो रहे हैं, ठीक है, अगर दो नंबर प्लस हो रहे हैं और जिस पोजीशन पे वो रखे गए हैं, अगर आप उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, मींस ए की जगह बी और बी की जगह पर ए रख दो, तो क्या आंसर तब भी सेम होगा? यस, एडिशन में ऐसा होता है, दोनों के आंसर सेम होते हैं, आप इधर ले सकते हैं 8 + 4, 4 + 8, दोनों ही कंडीशन में आंसर 12 आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया एप्लीकेबल, एडिशन में, उसके बाद सबट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में क्या है a माइनस बी इक्वल होना चाहिए b माइनस ए, वही इंटरचेंज की करना है ना हमें, इनकी पोजीशन से इंटरचेंज करनी है एक दूसरे की जगह पर। तो आप देख सकते हैं 8 - 4 = 4 - 8, आपका आंसर यहां 4 आया बट यहां पर माइनस 4 आया, क्या इक्वल आया? नहीं आया। सो क्या कह सकते हैं हम यहां पे? नॉट एप्लीकेबल। Not applicable. Third one is division. Sorry. Multiplication. Third is हम multiplication का लेंगे.
मल्टीप्लीकेशन में क्या है, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल होना चाहिए बी मल्टीप्लाई ए. यस इट हैपन्स, ऐसा होता है. तो 4 मल्टीप्लाई 8, 8 मल्टीप्लाई 4 कितना आया 32, इधर भी 32, इधर भी. तो ये क्या हो गया आपका एप्लीकेबल. ओके एंड देन फोर्थ वन इज डिवीजन. फोर्थ वन इज डिवीजन. इन डिवीजन देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है नहीं होती है. ए डिवाइड बाय बी इक्वल होना चाहिए बी डिवाइड बाय ए. ओके 8 डिवाइड बाय 4, 4 डिवाइड बाय 8, यहां पर आपका 2 आएगा बट यहां पर आपका 0.5 आएगा. सो नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, तो डिवीजन में क्या हुआ, नॉट एप्लीकेबल. ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अभी आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी बता दी मैंने होल नंबर्स पे अप्लाई करने के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी वो होती है कि अगर आपने इंटीजर्स को लिया, मान लीजिए इंटीजर प्लस इंटीजर, आंसर इंटीजर में आना चाहिए, इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर में आना चाहिए, इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर, इंटीजर ही आना चाहिए, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, इंटीजर आना चाहिए. अगर हर जगह वो ट्रू निकलती है कंडीशन तो उन सब में कहते हैं एप्लीकेबल. और जहां पर भी थोड़ी सी भी कंडीशन नो में आ जाती है तो वहां पे बोल देते हैं नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, अभी तक आपने दो प्रॉपर्टीज देखी, एक प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कब अप्लाई होगी, जब आपके पास मोर देन टू नंबर्स होंगे. ठीक, जब दो से ज्यादा नंबर्स हैं आप कैसे करेंगे, इसके लिए भी वही, सबसे पहले एडिशन में ए प्लस बी प्लस सी. अब ये ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए बी सी जो भी मैंने अब तक लिया है वो सब नंबर्स हैं, होल नंबर्स में से कोई भी नंबर लिए हुए नंबर्स. ए प्लस बी प्लस सी अगेन इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी. हम तीन नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो इनका आंसर आएगा फिर इसे ऐड करेंगे. ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं ना. अगर हम यदि पीछे वाले दो को पहले प्लस कर देंगे और फिर उनका प्लस इसके साथ करें तो क्या आंसर डिफरेंट आएगा, नहीं आता. फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, 8 प्लस 4 प्लस 2, 8 प्लस 4 प्लस 2, 12 प्लस 2, 8 प्लस 6, 14, 14. तो क्या हो गया, ये एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है. ठीक है, एप्लीकेबल है क्योंकि ये इक्वल आएगा कि कोई भी नंबर आप ले लीजिए, बस जो तीन नंबर यहां लेंगे वही तीन नंबर आपको इधर देखना है. सेकंड वन सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, सब्ट्रैक्शन के अंदर तीन नंबर इस तरह से. तो पहले अगर आप इनमें से इसको माइनस किया जाए और या फिर इसमें से इसको किया जाए, इसका जो आंसर आएगा फिर इसमें से माइनस और इसके आंसर में से इसको माइनस, तो क्या आंसर इक्वल आएगा. अभी तो करने के बाद पता चलेगा, मैं बोलूंगा तो क्योंकि मुझे पता है इसलिए अभी मैं रुक जाता हूं. 8 में से 4 गया 4, देन माइनस 2, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2 एंड यहां 6, तो क्या इक्वल नहीं आता, नहीं आता. तो ये है नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल. ठीक, थर्ड वन फॉर मल्टीप्लीकेशन में. अब मल्टीप्लीकेशन के अंदर तीनों नंबर्स आपके पास हैं,
तीनों ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल होना चाहिए, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, पहले ये दोनों फिर ये दोनों, इनका मल्टीप्लाई इसके साथ किया जाएगा, फिर इन दोनों के मल्टीप्लाई को इसके साथ किया जाएगा। देखते कहां तक सही है, एट फोर जो 32 मल्टीप्लाई टू, एट इंटू एट 64 इक्वल 64, तो ये मल्टीप्लीकेशन में इक्वल होता है, तो ये क्या कहलाएगा, एप्लीकेबल। ठीक है, एंड देन फोर्थ क्या बचता है, जैसे कि आप अभी तक करते आ रहे हो ना, क्लोजर में देखा, फिर आपका कम्यूटेटिव में देखा, अब एसोसिएटिव में एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, एंड फोर्थ इज डिवीजन। डिवीजन में a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c इक्वल a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c, एसोसिएटिव का मतलब है पहले इसको इसका ग्रुप बना के फिर पहले इसके ग्रुप को किया जाए, यानी a को b से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसको फिर c से करो, या b को पहले c से कर दो फिर जो आंसर आएगा उससे a को कर दो, इक्वल आता है। लेट्स सी, 8 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2, तो आपका आएगा 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2, देन डिवाइड बाय 2, 4 को 2 से करोगे 2, देन 2 को 2 से किया 1, हियर 4 नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये वाली Not applicable, यहां लिखेंगे not applicable। क्या applicable नहीं और क्या applicable है, associative property is applicable in addition and multiplication, associative property is not applicable in subtraction and division। ये आपकी third property आ गई इसकी whole numbers के साथ। fourth property is डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब ये जो है ये दो रूप में आपको दिखाई देगी, इन टू फॉर्म्स, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर किस पर, एडिशन। ओके, कैसे इसमें आएगा, जैसे कि एक एक नंबर एक होल नंबर मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में कोई दो नंबर ऐड हो गए, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। अब बांटेंगे कैसे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए को मल्टीप्लिकेशन के साथ, किसमें, जो ब्रैकेट के अंदर एड हो रहे हैं उनके साथ, ए जाएगा बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर ए डिस्ट्रीब्यूट होगा सी के साथ। ध्यान रहे ये वाला जो भी साइन है वो यही रहेगा और ये दोनों के पास जाएगा, ए बी के साथ गया, ए सी के साथ गया, और बीच में यहां पर जो साइन रहेगा वो ऐसे लिखा जाएगा। देखते हैं, कोई एग्जांपल देखते हैं, 5 इंटू ब्रैकेट में आप ले सकते हैं 18 प्लस 2। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, इधर क्या आया 90 प्लस 10 क्या आएगा 100। अब हम ये देखते हैं, हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी देखी है कि इसको इस तरह से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इक्वल रहना चाहिए, क्या इक्वल होता है, तभी तो हम इस फॉर्मूले को आगे भी अप्लाई करेंगे, अगर इक्वल आएगा तो ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड भी एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ।
फाइव मल्टीप्लाई 18 प्लस 2 20, 20 इंटू 5 100 तो हो रहा है, ठीक है। इसलिए अगर ऐसी कोई कंडीशन है उसे इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। एक बात और ध्यान रखना, अगर ये कंडीशन है तो इनमें से आपने देखा है एक कॉमन है ए, है ना। जब ये लेफ्ट टू राइट कंडीशन में जाता है तो इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। लेफ्ट टू राइट कंडीशन में जा रहा है तो ये राइट टू लेफ्ट कंडीशन में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको इस तरह की कहीं कंडीशन दिखती है, इस तरह से कोई नंबर्स दिखाई देते हैं, उसमें कोई नंबर कॉमन है और बीच में प्लस है, तो आप उन दोनों में से जो कॉमन है वो वाला नंबर बाहर रख के मल्टीप्लाई लगा के ब्रैकेट में जो कॉमन नहीं थे उन्हें लिख सकते हैं, ठीक। अब दूसरी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन अब किस पर, ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन पर। अब ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एक तो भी एडिशन पर और दूसरी सब्ट्रैक्शन पर जाएगी, तो हम लिखेंगे a मल्टीप्लाई बी माइनस सी। सब्ट्रैक्शन है ना, सब्ट्रैक्शन है तो माइनस का साइन आना चाहिए। सो सेम वही a मल्टीप्लाई बी, और इसका जो यहां पर जो साइन है वो यही जाएगा, देन a मल्टीप्लाई सी, ठीक। लेते हैं यहां पर 15 इंटू सॉरी 33 माइनस 3, ओके 33 माइनस 3, अब हमारा क्या आएगा 15 इंटू 33 माइनस 15 इंटू 3। राइट साइड करते हैं सबसे पहले हम, 15 3 जा 45 कैरी 4, 15 3 जा 45 एंड 4 49 माइनस 15 3 जा 45, तो कितना आया आपके पास 495 में से 45 जाएगा तो 450। इधर लेफ्ट साइड भी देख लेते हैं इक्वल कैसे आएगा या नहीं आएगा, 15 इंटू 33 में से 3 जा 30 एंड 15 3 जा 45 और एक 0। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस तरह से एप्लीकेबल है। फिर से बताता हूं, आपके पास सम्स इस तरह के होते हैं, कई बार इस कंडीशन में होता है तो आप इसे बना, आपको इस तरह से बनाना पड़ता है, और कई बार ऐसे होते हैं जैसे 15 आपको दिखाई दे रहा है ना, तो 15 कॉमन होकर के बाहर आएगा और जो कॉमन नहीं है वो ब्रैकेट में आ जाएंगे अनकॉमन, ठीक है। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं एक और प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या है उसका नाम, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अभी जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ये दो पर है आपके साथ, एक तो है एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है, देखिए कोई नंबर है, कोई होल नंबर आपके पास है, उसके साथ आपको किसको प्लस करें कि वापस वो ही आ जाए, ठीक है। किसी होल नंबर या किसी नंबर के पास क्या ऐड करें कि वापस यही नंबर आए, या किसके साथ इस नंबर को ऐड करें कि वापस यही नंबर आए, क्या है वो आपके पास, दैट इज जीरो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, क्यों, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जो किसी के साथ भी ऐड किया जाए वो उसी नंबर को वापस ला देता है। फाइव प्लस जीरो फाइव, ओके, एंड जीरो प्लस नाइन नाइन, मीन वही नंबर वापस आया ना, सेम। सेकेंड इज मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ऐसा कौन सा नंबर है जिसे अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर वापस आ जाए, मींस 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 5 आ जाए, किसके साथ हम 9 को मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, वो है 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को करने के लिए जिस नंबर की जरूरत है वो है 1। किसी भी नंबर को, जैसे हमने यहां पे लिखा है 15 और हमें कभी जरूरत पड़ रही है कि भाई हमें इसे मल्टीप्लाई में लिखना है और 15 भी रहना चाहिए, तो फिर वो कौन सा नंबर चाहिए होगा, हम उसे लिख सकते हैं 15 × 1। दो नंबर हो गए ना मल्टीप्लाई में, तो लिख ही दिया हमने वो 15 भी यूज किया। अदरवाइज तो इसको दो नंबर के मल्टीप्लाई में करते हैं तो 3 × 5 लिख सकते हैं, बट इसमें 15 तो गायब हो गया ना, 15 की अपनी आइडेंटिटी तो गायब हो गई ना, वही नंबर चाहिए बट वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने चाहिए किसी से किससे मल्टीप्लाई कर लो, वो है 1। इसके बाद 0 प्रॉपर्टी, 0 प्रॉपर्टी किसके अंदर, मल्टीप्लाई में केवल। जैसे 0 प्रॉपर्टी वाली जो है ना एक एडिटिव आइडेंटिटी में कन्वर्ट मतलब पहुंच गई है, इसके अलावा ये है कि अगर आपने किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही हो जाता है, चाहे वो 0 बाद में हो चाहे पहले हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 × 0 = 0 × 11 = 0। ठीक है, तो ये थे प्रॉपर्टीज जो आपके लिए बहुत जरूरी थे होल नंबर्स के साथ। ये मेरा होल नंबर्स का पार्ट 1 वाला वीडियो है। अब मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा पार्ट 2, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इसके जो थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स, थोड़े एप्लीकेशंस, ठीक है, नंबर लाइन में आपको समझाऊंगा नंबर लाइन पर कैसे ऐड किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और यहां तक कि डिवाइड कैसे करते हैं नंबर लाइन पर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो अभी आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।